नमस्कार, आप देख रहे हैं अर्ली टाइम्स और मैं हूं अविनाश आजाद। आज मैं आपके साथ एक ऐसी चीज़ साझा करने जा रहा हूं जिससे जिस पर सुबह से पॉलिटिक्स हो रही है। बीजेपी भी क्लेम कर रही है और एनसीबी क्लेम कर रही है कि ये हमारी उपलब्धि है, हमारी अचीवमेंट है। मसला है कालाकोट सियोट रोड का, जिसको कि पिछले 20 सालों से डिमांड ये रही है कि कालाकोट सब डिविज़न को हाईवे से जोड़ा जाए बाय द हाईवे, मतलब इस स्ट्रेच के बीच में 22 किलोमीटर का जो स्ट्रेच है वहाँ पे हाईवे बनाया जाए। लेकिन आज जो ड्रामा हुआ कालाकोट में वो ये था कि बीजेपी ने एनसी पे एलिगेशंस लगाई और एनसी ने उसका जवाब देते हुए बीजेपी को लताड़ा। लेकिन लोगों को गुमराह किया जा रहा है क्योंकि ये सड़क जो बनने जा रही है ये PMGSY की सड़क है, जो गाँव में दूर दराज के रिमोट एरिया में भी आपको आसानी से देखने में मिल जाएगी, क्योंकि PMGSY शहर के लिए बना ही नहीं है, मोस्टली उसके काम ही रूरल एरिया में है। यहाँ पे रोड कनेक्टिविटी नहीं है, वहाँ पे बेटर रोड देना, तो यहाँ पे काम था इसको हाईवे बनाना था। तो हाईवे नहीं बनेगी, ये सिंपली PMGSY की रोड होगी और PMGSY के जो पैरामीटर्स हैं वो हैं, एक रोड की जो मैक्सिमम विड्थ है वो है 5.5 मीटर, तो ये उतनी ही होने वाली है। तो ये बाकी हम आपको दिखाते हैं कि किसने क्या कहा, ये हम आपको दिखाते हैं अभी। अगर जो इसकी रिकग्निशन जो दी वो जब का मैं बीडीसी बना तो यहाँ सबसे पहले यहाँ पर आगे श्यामालाल धोत्रे और उसके आगे डिमांड की हमने कि हमारा सबसे बड़ा अगर मेन मकसद है कालाकोट की आवाम का वो कालाकोट टू सियोट रोड का है। जब तक ये डबल नहीं हो जाती तब तक हमारी जो है यहाँ की डिमांडें जो हैं वो अधूरी की अधूरी रह जाती हैं। उसने वादा किया था कि मैं आपकी रोड जो है सियोट कालाकोट जो है इसको मैं डबल करवा दूंगा। उसके बाद यहाँ पर आ जाते हैं अनुराग ठाकुर, उसने भी वादा किया कि मैं इस रोड के बारे में जितना भी जोर हुआ इतना मैं लगाकर इस रोड को डबल करवाऊंगा। उसके बाद हम जगह पर जगह हर जगह LG साहब से भी मिले श्रीनगर में, वहाँ पर भी यही मुद्दा हमने रखा कि कालाकोट टू सियोट रोड जो है इसको डबल किया जाए, तब कि कालाकोट के अवाम जो है इसके मसाइल जो हैं वो हल हो सकते हैं। सिंगल रोड है और ख़राब हो जाती बार बार, और इसलिए हमने जो जितनी भी हो सकता था इतनी डिमांड जो है वो कालाकोट सेउट कालाकोट की रोड की जो है वो रखी। और उसके बाद ये फारूक साहब जो है फारूक खान जो है LG इसके के एडवाइज़र हैं उनके साथ भी ये रखी, उन्होंने वादा किया कि मेरा काम यहाँ से आपका प्रोजेक्ट बनवा कर इसको लेकर सेंटर में देना है। और मेरे ठाकर रणधीर सिंह जी जिनकी बदौलत आज ये हमें ये मौका भी ये देखना आया, रिबन कोई काटे चाहे वहाँ का कोई छोटा काटे चाहे मोटा काटे, असल में ये होता है कि किसी के हक को मारना और किसी की इज्जत की बेइज्जती करना वो बहुत बड़ी बात होती है। आज मेरा साथी मुझे बहुत ही उस पर नाज है, सारा कुछ है विजय सूरी, मुझे दुख हुआ, देख भाई साहब आपकी एक पंचायत लेवल पे हैं आप एक यहाँ म्यूनसिपल्टी की एक पंचायत लेवल पे हैं और मेरा BDC चेयरमैन मैं हूँ कालाकोट का और मेरी अंडर जो हैं वो 21 पंचायतें हैं, इसकी बात जो है वो सोचनी पड़ती है। वहाँ कहने की कोई बात नहीं है, मैं भी आदमी 20-25 पहले से और मैंने सुबह का किसी आदमी को नहीं कहा, मैंने ये नहीं कहा, मुझे मालूम है कुछ ना कुछ कहीं हो जाए तो वो अच्छी बात नहीं होती, जो काम प्यार से हो वही अच्छा होता है। और हमारी मांग जो थी, मैं कहता हूँ आज का दिन अवाम कालाकोट के लिए बहुत ही एक सुनहरी दिन है, इसको सुनहरी हफ्सों में भी लिखा जाएगा। आज यहाँ की रोड का जो है ये सर्वे जो है वो होने को जा रहा, यहाँ का ये बजट ये प्रोजेक्ट बनेगा और सेंटर में जाएंगे और सेंटर में ठाकुर रणधीर सिंह खुदा के कर्म से एक ऐसा आदमी है जिसका सेंटर में पूरे का पूरा जो चाहे सो होता है। एक अगर इस रोड को डबल के बजाय ये ट्रबल भी उड़वाएगा तब भी रब के कर्म से मुझे उम्मीद है, मैं इसके साथ चला हूँ, मुझे मालूम है कि कहाँ कहाँ तक इसके लिंक हैं और क्या क्या ये कर सकता है। और अच्छा इसका यही देखो कितनी बड़ी बात कि 10 मिनट लेट होके आया, अगर दूसरा आदमी होता बीच में टपते, मेरे साथ ही बीच में टपते रहे, मगर नहीं इसने कहा नहीं, वो लोग आए उनकी भी कोई तमन्ना है, उस तमन्ना को उनको भी पूरी करने दो। अगर कोई झूठ मारता है, कोई सच कहता है, कुछ कहता है अपने मुंह से कहता है,
तो इसलिए मैं ये कहूँ कि हमेशा सब्र रखना चाहिए। इज्जत और जिल्लत वो भगवान और खुदा के हाथ में है, उसको कोई ना गिरा सकता है और ना ही कोई बता सकता है। और मैं ज़्यादा कुछ ना कहते हुए इसी बात पे कहूँगा कि मेरे साथियों को सब्र चाहिए, सब्र रखना चाहिए। आज जैसी ये बातें जो हैं ये बहुत कम करनी चाहिए। मेरे मैं सबसे मिला और प्यार से मिला, दिल की गहराइयों से मिला, इसी तरीके से उन लोगों को भी यहाँ मिलकर काम करने चाहिए। ये नहीं ये सड़क अभी तक ये जो है PMGSY में ये जा रही है, इसका प्रोजेक्ट जो है वो बनकर सेंटर में जाएगा। सेंटर में जाने के बाद हमारे लोग जाएंगे, वहाँ से रब के कर्म से इसकी मंजूरी लाएंगे। और ये बहुत मुझे तो उम्मीद है कि बहुत ही जल्दी इसका जो है काम जो शुरू होगा। ये तकरीबन साढ़े पाँच मीटर चौड़ी रोड जो है ये बनने के लिए तैयार हो जाएगी रब की तरफ से। भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी। ये आप पढ़े, ये ऑलरेडी रोड सेंक्शन हो चुकी है। हमने इसमें व्हाट्सएप पे भी ये डाले हैं अपनी जितने भी लेटर थे, ऑलरेडी स्कीम सेंक्शन हुई है। आज हमने इसका सर्वे का टेंडर हुआ था, 7 लाख के करीब करीब इसका सर्वे का टेंडर है। ये रोड आज सर्वे हो रहा है और विद इन मंथ्स, 1 महीना 2 महीने जो टेंडर का प्रोसेस है वो उस तरीके से रोड ये हमारी शुरू हो जाएगी। ये ऑलरेडी सेंक्शन है बाबू खान जी, आप इसको, आप तो कैपेक्स बजट था हमारा यहाँ, आपको तो वहाँ भी नहीं बिठाया गया, आप तो वहाँ शो डाल रहे थे, हमें वहाँ अंदर नहीं किसी ने लिया। आप कैसे कहते हो कि ये हमने वहाँ किया, उस अनुराग ठाकुर को बोला हमने, वो फारूक खान को बोला हमने, तीसरे को बोला। बाबू खान जी DDC का हिस्सा था ये, हर एक आदमी को, आपको भी पता होना चाहिए कि हर आदमी का अपना अपना सिस्टम होता है। हमारे म्यूनसिपैलिटी पे हमारे जो फंड्स हैं वो हमने खर्च करने हैं, वो कोई दूसरा नहीं खर्च करेगा। जो आपको DDC को 25 लाख रुपया मिला वो आपने खर्च करना है, आप मेरे भाई हो। जो DDC का हिस्सा है वो DDC ने ही उसको प्लानिंग करनी है, वहाँ आपका मेरा जोर नहीं चलने वाला। वहाँ पे जो मैम का हिस्सा बनता था, जो DDC डांगरी, DDC वहाँ का, तीनों का हिस्सा बोगरा वाली का ढाल के यहाँ पे हमने एक ही रोड सेंक्शन करवाई है। और हम इकट्ठे बैठे थे, हमारी ये कोई पार्टी की रोड नहीं है, ये सब लोगों के लिए रोड है। बाबू खान जी आपका भी वही रास्ता है, आप इसको पॉलिटिकल तरीके से मत बनाए, ये रोड सबके लिए है, कालाकोट की आवाम के लिए है। बाकी आपको अगर किसी चीज़ का शक शुबा है आप ये हमारे लेटर लेके द्वारा जाएं। रोड ऑलरेडी सेंक्शन है, ये रोड 9 मीटर की बनने जा रही है बाबू खान जी, 5.5 मीटर तो पहले की है, ये 9 मीटर की रोड बनेगी, इसमें 5.5 मीटर BT होगी। हम वो भी कोशिश कर रहे हैं कि BT 7.5 मीटर की जाए, अगर हम कामयाब हो गए उसमें, हम इसको दोनों DPR बना रहे हैं हम। अगर हमारी 7.5 मीटर की DPR कामयाब हो जाती है, 7.5 मीटर उसमें BT होगी, फिर 10 मीटर की रोड बनेगी, नहीं तो 9 मीटर की रोड बनेगी, 5.5 मीटर की BT होगी। ये आपको मैं इंश्योरेंस देता हूँ। आप तो, अब मैं क्या बोलूँ बाबू खान जी, छोड़ो आप मेरे भाई हो, हम पूरी उम्र इकट्ठे रहे हैं, तो ये उल्टी सीधी बातें करने से कुछ नहीं होगा। पंचायत कोई छोटी बड़ी नहीं होती, हमारी म्यूनसिपैलिटी में आपको 21 पंचायतें हैं, DDC मैम की कितनी पंचायतें हैं, आप वो नहीं जा रहे, दूसरी से एक साइड क्यों लेते हो आप मेरी। आप म्यूनसिपैलिटी को आप देख रहे हो, जो म्यूनसिपैलिटी में जो भी किसी चीज़ का रिबन काटा जाएगा वो चेयरमैन म्यूनसिपैलिटी ही काटेगा, ये आपको मैं बता दूं द्वारा। जो भी नेगोलेशन होगी यहाँ से म्यूनसिपैलिटी के एरिए में वो म्यूनसिपैलिटी ही करेगी, आप इसका लाज पढ़ें। आप कहाँ की बातें कर रहे हैं बाबू खान जी।